press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राज्यसभा के 3 सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, भाजपा में शामिल हुए विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और आरएसएस और भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मदन लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के तीनों उम्मीदवार सोमवार को विधानसभा पहुंचे और नामांकन किया। तीनों उम्मीदवारों का जीतना तय है। आज राज्यसभा में नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। कोई और दल की ओर से उम्मीदवार अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन तय है। राज्यसभा का चुनाव 23 मार्च को होना है और इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने जा रहा है। प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र बुड़ानिया का कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो गई थी। नामांकन भरने की सोमवार को आखिरी तारीख है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।